जोहार दोस्तों, मैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं जहाँ गई थी वहाँ से मैं वापस आ चुकी हूँ और सॉरी थोड़ी लेट हो गई वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उधर से आने के बाद। तो आज की एक मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ऐसा कोई नहीं बनाया होगा जो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। खजूर गुड़, खजूर का कैसे गुड़ बनाती हूँ, ये पूरा प्रोसेसिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। उसके लिए मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहिए और मैं आ चुकी हूँ खजूर के पेड़ के नीचे। पहले मैं खजूर तोड़ लूँ, फिर मैं आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने जुगाड़ लाया, इसमें मुझे खजूर तोड़ना है और इसमें खजूर को भरना है। तो दोस्तों, ये देखिए आपको खजूर दिखाई दे रही होगी क्योंकि खजूर थोड़ा छुपा हुआ है और इस पेड़ में भी देखिए एकदम ऊपर में ये भी छुपा हुआ दिखाई नहीं दे रही। चलिए मैं दोस्तों, एक टूट चुकी है ऊपर में, हम लोग पासी को चढ़ाए हैं, उसने कहा आपको वीडियो में मत दिखाइए, एक टूटा है इसको ले ली तू कौन सा झुंड में जो गिर गया, हमको दिखाई नहीं दे रहा, काटा भी है यार इधर। हाँ, दिखाई दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे गिरा हुआ है एक, ये देखिए बड़ी मशक्कत के साथ ये मुझे मिल चुकी है खजूर और आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशली खजूर का रेसिपी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ खजूर गिरा हुआ है, मैं इसको भी चुन लेती हूँ और ये देखिए पका हुआ है सब, जो टेस्टी लगता है खाने में। चलिए दोस्तों, इतना मेरी काम हो जाएगा, अब मैं चलती हूँ घर की ओर। छुरा कहाँ गया मेरा? हाँ, दोस्तों ये मेरी टोकरी भर चुकी है, अब चलिए घर की ओर। ये मेरा स्टाइल है, विलेज गर्ल का स्टाइल है। विलेज गर्ल कैसे करती है ये मैं दिखाती हूँ। ये मैंने गमछा भिगो दिया है, इस गमछा जो मैंने भिगोया है और जो मैं खजूर लाई हूँ इसको देखिए, इस थोड़ा सा पानी गार लेती हूँ, ज़्यादा मैंने पानी नहीं गारा। ये जो खजूर है इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा भिगा देती हूँ। इसको मैंने भिगा दिया और ये जो गमछा है, गमछा को मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए इस गमछा से मैंने दिया पूरा इसको लपेट और लपेटने के बाद ये जो मैंने हंडी लाया है इसको मैंने इसमें घुसा दिया और ये थोड़ा थोड़ा और पानी डाल दिया और इसको मैं कम से कम, इसको ऐसे तो आप अगर अभी छोड़ दीजिएगा, सुबह ही कीजिएगा तो पूरा पक जाएगी, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। इसको मैं गुड़ बनाऊंगी, इसके लिए मैं कम से कम ऐसे करके लपेट के छोड़ देती हूँ। चलिए मैं इसको पहले कुछ कोई अच्छा जगह में रख देती हूँ। तो दोस्तों, एक घंटा पूरा पूरी हो चुकी है, मैंने जो क्या खजूर को जो मैंने रखा वो एक घंटा हो गया है, जो मैंने भीगा कपड़ा में लपेट के रखा है। अगर ये मैं जैसे मैं भीगा कपड़ा में लपेट के रखी और वैसे करके अगर आज अगर आप पूरा दिन छोड़ देते और कल अगर आप लोग उसको निकालते तो पूरा पक के काला हो जाता। तो खैर, मैं तो खजूर की गुड़ बनाने वाली हूँ, तो आप देखिए मैं एक घंटा के बाद उसको निकाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा भीग गया, मैं भीगने के लिए ही दी थी। ये देखिए भीग गया, बस मुझे भिगाने का काम था और ये मैं इसे सूखने दे देती हूँ और एक एक करके मैं तोड़ लेती हूँ। दोस्तों, ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और ये देखिए मैंने एक एक करके सारा तोड़ लिया और इसका मैं कैसे क्या करती हूँ आप लोग वीडियो में देखिए। तो दोस्तों, ये रहा मैंने पानी दे दिया, इतना पानी बहुत काफ़ी है, तो इसको पहले मैं अच्छा से गर्म होने देती हूँ, फिर मैं इसको देती हूँ यहाँ पे, थोड़ी उबल जाएगी उसके बाद अगर मैं छोड़ दूंगी तो देखिए इसका कलर थोड़ा मतलब यूनिक आए। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा पानी उबलना शुरू हो चुकी है, अब मैं इसको जो ये मैं खजूर लाई हूँ इसको मैं छोड़ देती हूँ पानी में। और दोस्तों, ये देखिए मैंने सारा खजूर छोड़ दिया है पानी में, अब इसको मैं थोड़ी देर पकने देती हूँ और देखिएगा
3-4 मिनट के बाद ही इसका कलर देखिए आना शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छा कलर आएगा। तो दोस्तों आप, मैंने कहा था ना बस कुछ मिनट इंतजार करिए और कलर देखिए, ये देखिए कलर आना शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए कलर आना शुरू हो गया है। और देखिए धीरे धीरे कैसे एकदम पूरा हो जाएगा, एकदम पूरा डाब हो जाएगा इसका, मतलब क्या बोले, मतलब एकदम आसान है एकदम। अगर ये पका हुआ रहता तो और इसमें तुरंत इतना कलर कि एकदम पूरा काला हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, अब ये पका हुआ नहीं था, आधा पका हुआ था सोच लीजिए, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम लगेगी, मुझे मेहनत लगेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कैसे मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ मिला रही हूँ, इतना थोड़ा सा मैं गुड़ मिला रही हूँ। गुड़ मिलाने से क्या होगा, ऐसे में अगर ये पूरा पका हुआ रहता तो मुझे इस गुड़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पका हुआ नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ मिला रही हूँ और इसको मैं बना रही हूँ, खजूर का गुड़। ये दुकान गई थी गुड़, मैं बोली कि समीर को जा बेटा अच्छा से व्हाइट वाला गुड़ खरीद के ले आना, तो हमको लग रहा है महुआ वाला गुड़ दे दिया। तो ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे इनका कलर आना शुरू हो चुका है, और मैं इधर से थोड़ी आँच दे देती हूँ क्योंकि मैंने आँच थोड़ा घटा दिया था, इसमें ज़्यादा और कम करना पड़ता है, ज़्यादा होने से फिर जल जाएगी इसलिए ज़्यादा कम करना पड़ता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और फाइनली दोस्तों गुड़ का कलर आ गया है, चलिए इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और देखिए कैसा कलर आया है। ये देखिए दोस्तों मेरी गुड़ की कलर आ चुकी है, बस कुछ ही मिनटों की दूरी में ये मेरे नीचे में होगी, चूल्हा के नीचे और बन के तैयार हो जाएगी गुड़। तो दोस्तों मेरा फाइनली गुड़ बन के तैयार हो चुकी है, मैं इसको उतारूंगा। और इसमें मैंने वो थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक दिया है, थोड़ा सा अगर आप अगर मसाला का ये अगर गुंडी देना चाहते हैं तो लाल मिर्चे की गुंडी दे सकते हो, और एक लौंग दे सकते हैं आप लोग, 2-3-4 अगर आपको जितना मन हो थोड़ा सा लौंग दे दीजिएगा और ये आपका गुड़ बन के तैयार हो जाएगी, ये खट्टा मीठा टाइप का लगेगा। तो चलिए मेरी तैयार हो चुकी है और मैं इसको उतारती हूँ, मैं यहाँ से दूर ले जाती हूँ क्योंकि चूल्हा के सामने बहुत गर्मी है। अब इसको सर्व करती हूँ थाली में। ये अगर पका हुआ रहता ना तो सारा ऐसा हो जाता है, ऐसा इस कलर का, ये जो आपको दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, खाना जब खाइएगा थोड़ा सा खट्टा मीठा अगर आपको खाने का मन करे तो खाने के साथ भी खा सकते हो, लेकिन हमारे बच्चों की मेरे भी रोटी के साथ सबका चहिता होता है, अगर लंच बॉक्स आप देना चाहते हो बच्चों के लिए तो आप लंच बॉक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे बच्चे लोग आ रहे हैं, सबको चखाऊंगी कैसा लगा कैसा लगा, सबको खिला के बताऊंगी, मैं तो अपनी खुद की तारीफ करती नहीं हूँ। लेकिन मेरे तारीफ सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं। तो दोस्तों ये मेरी गुड़ चुकी है, अगर आपको खाना है तो कमेंट कीजिए, सावित्री दीदी मेरे पास पार्सल कर दीजिए, तो मैं पार्सल तो नहीं कर पाऊंगी, आप लोग आ जाएगा आपकी दीदी गर्मा गर्म आप लोग को, सॉरी गर्मा गर्म बनाऊंगी और ठंडा करके खिलाऊंगी खजूर का गुड़। ओ आ गया ना मुंह में पानी। तो दोस्तों मैं इसको ठंडा होने के लिए दे देती हूँ, तब तक मेरे बच्चे ट्यूशन गए हैं, वो लोग भी आ जाएंगे और साथ में मिलजुल के खाएंगे खजूर का गुड़। तो ये मेरा लल्लन पट्टम बोले तो राहु केतु दोनों ट्यूशन से आ चुकी है, और अनुष्का भी अब ट्यूशन जाती है ना। अनुष्का अनुष्का तुम पढ़ने सीखी, क्या पढ़ने सीखी? कुछ नहीं सीखी है बताओ। तो ये लो, ये खास करके रोटी के साथ खाया जाता है, मैं बोली थी ये लो, और ये हम दोनों खाते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं और रोटी लेंगे, ठीक है चलो। और खा के बताओ कि मैं कैसे बनाई हूँ, लो कुछ खा, मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा बना भी है ना, सिर्फ खा रहा है खा रहा है? अच्छा बना है। हाँ अच्छा बना है। कभी खाया है? क्या बोलते हैं खजूर का गुड़? हाँ ये लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट होती है। वाह। तो दोस्तों
खाना हमारी चलती रहेगी क्योंकि टेस्टी बहुत बनी है। आई होप आज का मेरा विलेज गर्ल की रेसिपी पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अरे